इटावा में सड़कों की हालत जर्जर बनी हुई है और रोड पर गड्ढे होने से कई बार लोग हादसे का शिकार हो जाते हैं। वहीं इन हादसों में अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन रोड की हालत जस की तस बनी हुई है, जिससे स्थानीय लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शहर में चाहे रामनगर फाटक के गड्ढे देख लें या फिर मंडी को जाने वाली सड़क देख लें, सभी रोड ध्वस्त पड़े हुए हैं। वहीं इसके संबंध में इंजीनियर हरि किशोर तिवारी ने लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता विकास राकेश सक्सेना को जानकारी दी है, जिसके बाद उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही सड़कों का निर्माण कार्य किया जाएगा। आपने देखा कि पांच साल से सड़कों के मेंटेनेंस पर कोई भी काम बहुत कुछ नहीं किया गया और उल्टी उनकी दुर्दशा हुई। आपने देखा कि मेन अगर हम बात करें तो ये जो आपका रामनगर फाटक है, आपका मंडी है, और इसके बहुत ज़्यादा स्थिति खराब है, सबसे ज़्यादा स्थिति खराब है। तो यहाँ से जब ग्वालियर हम जाते हैं तो ये जो बड़पड़ा क्षेत्र है, यहाँ का सारा कुछ टूटा पड़ा है और उसमें दुर्घटनाएँ बहुत हुई, उसमें 14 लोग मारे गए और आज तक स्थितियाँ ये हैं कि उसको ठीक करने का प्रयास नहीं किया जा रहा है, बहुत कछुआ कस्से काम हो रहा है। ये सब जिम्मेदारी यहाँ के माननीय की होनी चाहिए और उन्होंने कोई काम इस पर नहीं किया। कल इस चक्कर में मैं प्रकरण पर मैं मिला था प्रमुख अभियंता, आप लोग जानते होंगे सबसे बड़े अधिकारी होते हैं उत्तर प्रदेश के पीडब्ल्यूडी के, और उनको जाकर हमने सारी बातें बताई, उनको ज्ञापन भी हमने सौंपा। उन्होंने तत्काल अधिकारियों से कहा कि इस पर तत्काल तेजी से काम होना चाहिए, उम्मीद है कि चुनाव से पहले इस पर सारा काम हो जाएगा। लेकिन विनम्रता की बात यह कि 14 मौतें जो हुई हैं उनका जिम्मेदार कौन होगा? ये निश्चित रूप से ये जो आगामी चुनाव आएगा इस पर निश्चित रूप से ये सरकार जिम्मेदार होगी और लोग उसका बदला जरूर इससे लेंगे कि 14 मौतों के बाद इस